हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ। ये जो रेसिपी है ये बच्चों को, बड़ों को, सभी को बहुत पसंद आती है। मैंने आज मैगी की रेसिपी बनाई है जो कि वेजिटेबल मैगी है। तो गाइस, प्लीज़ आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब देखिए, इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ ग्रीन वेजिटेबल ली है और ये मैंने दो मैगी के पीसेस लिए हैं और इसके दो पाउचेज जो ये साथ में आते हैं मैगी के, ये वो है और मैगी मसाला है। यहाँ देखिए, मैंने एक चम्मच भर के तेल डाला है, छोटा वाला एक चम्मच है। उसके बाद सबसे पहले हम प्याज इसके अंदर डालेंगे और प्याज को हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए, प्याज को हमें जलाना नहीं है, बिल्कुल ब्राउन करना है हल्का सा। देखिए, अब मैं इसमें शिमला मिर्च डाल रही हूँ और कॉर्न डाल रही हूँ। ये स्वीट कॉर्न मार्केट में अवेलेबल है, आसानी से मिल जाते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं। और टमाटर, ये सभी चीज़ें डालकर हम अच्छी तरीके से इनको पकाएंगे। यहाँ पे आप देखिए, मैगी को इस तरह के पीसेस में डिवाइड कर दीजिए। देखिए, तोड़ देते हैं हम मैगी को। ये देखिए, अब ये हमारी सब्जियाँ जो है वो लगभग पक चुकी है। तो जो मैगी मसाला साथ में आता है मैगी के, वो हम दो पैकेट इसके अंदर डाल देंगे, क्योंकि हमने दो मैगी ली है इसलिए दो पैकेट डालेंगे। उसके बाद में थोड़ा सा हम घर का मसाला डालेंगे इसको टेस्ट देने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इसमें मैं 1/4 चम्मच के करीब लाल मिर्च डाल रही हूँ, एक पिंच हल्दी पाउडर और एक पिंच ही नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। जब हमारा मसाला पक जाए, ये देखिए हमारा मसाला अच्छी तरीके से सब्जियों में मिल चुका है। तो उसके बाद में हम यहाँ 2 ग्लास भर के पानी डाल देंगे। दो मैगी है तो हमें 2 ग्लास पानी लेना है गाइस, और ज़रूरत के हिसाब से आप कम या ज़्यादा पानी कर सकते हैं। ये देखिए, पानी में जैसे ही हमारे उबाल आएगा तो जो मैगी हमने तोड़ के रखी है, ये देखिए पानी उबल चुका है। अब मैं इसके अंदर ये मैगी डाल देती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से हम मैगी डाल देंगे और मैगी को मीडियम फ्लेम पर हमें पकाना है। ज़्यादा आँच हमें तेज़ नहीं रखनी है, नहीं तो मैगी अंदर तक नहीं पकेगी हमारी। और 2 मिनट के अंदर देखिए गाइस, बहुत ही बढ़िया मैगी की रेसिपी बन के तैयार हो जाएगी। और ये रेसिपी आपको यहाँ पे देखिए, मेरे घर में पनीर पड़ा था तो मैं पनीर भी इसके अंदर डाल रही हूँ छोटे छोटे पीसेस करके। आप कुछ भी इसके अंदर डाल सकते हैं, जो भी सब्ज़ी। अगर आपके पास कैरेट है, गाजर है, तो आप गाजर भी इसके अंदर डाल सकते हैं, बीन्स डाल सकते हैं, जो हो। और अब लास्ट में हम इसके अंदर मैगी मसाला डाल देंगे। ये देखिए गाइस, बिल्कुल रेडी हो गई है हमारी मैगी। ये देखिए कितनी शानदार रेसिपी है। तो आप प्लीज़ ये रेसिपी बनाइए, अपने घर में सभी को खिलाइए। बच्चों को इस तरीके से आप सब्जियां डाल के मैगी खिलाइए तो सब्जियां जो वो नहीं खाते हैं, वो सब्ज़ी भी वो इसके अंदर आसानी से खा लेंगे। और गाइस, ये बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। ये देखिए, ये देखिए गाइस, क्या सुंदर लग रही है हमारी मैगी। देखते ही मुँह में पानी आ रहा है। ये देखिए, आ हा हा, क्या बढ़िया। ये देखिए मैगी, देखिए कितनी खिली खिली और बहुत ही बढ़िया मैगी बनाई है मैंने। तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिए। मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप अपने मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए गाइस। और मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।